त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव को लगभग 3 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नवनियुक्त सरपंचों को पुराने भ्रष्टाचारियों ने प्रभार तक नहीं दिया। इसकी मुख्य वजह यह है कि विरोधी सरपंच जीतने के बाद पुराने भ्रष्टाचारियों को खुलासा होने का डर सता रहा है, जिसके चलते ना तो प्रभार दिया जा रहा है, वहीं झूठे मनगढ़ंत शिकायतें भी की जा रही हैं। ताजा मामला बेलवा कोठार ग्राम पंचायत का है, जहां के सरपंच योगेंद्र शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। सरपंच ने बताया कि पूर्व कार्यों के साथ साथ एक युवती की मौत की जानकारी उनके द्वारा मांगी जा रही है, लेकिन रोजगार सहायक ने ना तो जानकारी पोर्टल में दर्ज की और ना ही उन्हें जानकारी दे रहे हैं, उल्टा झूठी शिकायतें कर रही है। आइए सुनाते हैं सरपंच ने क्या कहा है। भागवत प्रसाद सोधिया का संबल योजना का पात्र था, उसकी पुत्री राजवती सोधिया खत्म हो गई थी 14 मई को। उन्होंने आवेदन दिया था पूर्व सरपंच को पहले, फिर उसके बाद उन्होंने फाइल वापस कर दिए कि ले जाओ रोजगार सहायक के पास, तुम फाइल अपनी दे दो। तो रोजगार सहायक के पास 25 मई को उन्होंने फाइल दे दी थी। तो 25 मई के बाद उन्होंने कहा कि करते हैं, खेल रही थी। इसके बाद फिर जब वर्तमान पंचायत में सरपंच हम निर्वाचित हुई, तब उन्होंने कहा कि फाइल अब तुम्हारी पंचायत का पावर नहीं है। हमने सोचिया से बोला कि तुम्हारा पंचायत के पावर के नहीं है, ब्लॉक से होगा। तो ब्लॉक में आज ही उसने आवेदन डाला है नई फाइल बना करके, भागवत सोधिया। 2 लाख रुपए की पात्रता है, उसको नहीं मिली है। रोजगार सहायक पूनम पांडे और सिक्योरिटी गोपेश पांडे दोनों लोग मिलकर के उसकी फाइल का ऑनलाइन नहीं किया है। ना तो कभी बैठक में आते हैं, ना कभी कार्यालय में भी रहते हैं। आदिवासियों को बार बार परेशान करते हैं। महिला, कई महिलाएं आती हैं, जैसे वो एफआईआर कराई हैं मूलम पांडे ग्रामीण रोजगार सहायक, फर्जी शिकायत है, झूठी। कितने लोगों को फंसा चुकी है? 3 लोगों को फंसाई है। हाँ, भागवत सोधिया को फंसाई है, और सरपंच योगेंद्र प्रसाद शुक्ला को हम ही को फंसाई है, और अविनाश कुमार शुक्ला को फंसाई है। आप ये क्या कहते हैं? आप ये कहती हैं कि अगर हमारे किसी को फाइलों में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो मैं इसी तरह से आपको फंसाती रहूँगी। इसकी शिकायत हमने ब्लॉक विकासखंड कार्यालय हनमना में दे दिए हैं, और जिला पंचायत सीओ रीवा के यहाँ भी दे दिए हैं।